नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज लाइव। INDVSSL, विराट और प्रदूषण से परेशान श्रीलंका बैकफुट पर। फिरोज शाह कोटला मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच जारी तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी मेजबान के नाम रहा। पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने छठे दोहरे शतक के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए अपनी टीम को विशाल स्कोर प्रदान किया और फिर गेंदबाजों ने प्रदूषण से परेशान श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। श्रीलंकाई टीम दो दिन का खेल होने तक पूरी तरह से मेजबानों के दबाव में दिखी। उसने दूसरे दिन का अंत उसने 44.3 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रनों के साथ किया। भारत ने अपनी पहली पारी भारी ड्रामे के बीच 7 विकेट पर 536 रनों पर घोषित कर दी थी। मेहमान टीम पहली पारी की तुलना में अभी भी 405 रन पीछे है। यह सत्र श्रीलंका के लिए अच्छा साबित हुआ। एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांदीमल चौथे विकेट पर शतकीय साझेदारी के बाद जमे हुए हैं। मैथ्यूज 90 शतक के करीब हैं, जबकि चांदीमल अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। इस सत्र में श्रीलंका ने कोई भी विकेट नहीं गंवाकर मेजबान टीम को कोई मौका नहीं दिया। श्रीलंका अभी 344 रन पीछे है। लंच तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 192 रन है। 71 ओवर फेंके जा चुके हैं। अपनी पहली पारी खेलने उतरी श्रीलंका को पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने झटका दिया। उन्होंने दिमुथ करुणारत्ने 0 को विकेट के पीछे रिद्धिमान साहा के हाथों कैच कराया। परेरा को शमी की गेंद पर धवन ने जीवनदान भी दिया था। वहीं मैथ्यूज का कैच कोहली ने ईशांत की गेंद पर छोड़ा था। अगर यह दोनों कैच लपक लिए जाते तो मेहमान टीम और परेशानी में आ सकती थी। इसके बाद चांदीमल और मैथ्यूज ने श्रीलंकाई पारी को दिन का खेल खत्म होने तक संभाल लिया। मैथ्यूज ने 118 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 छक्का लगाए हैं। कोहली ने इस मैच में अपने करियर का छठा दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने अपने सभी दोहरे शतक कप्तान बनने के बाद बीते 17 महीनों में जड़े हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले कप्तान भी बन गए हैं। उनसे पहले वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा के नाम यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने कप्तान के तौर पर 5 शतक जड़े हैं। हालांकि इस मैच में कोहली दोहरे शतक से जितने खुश थे, उसके बाद दूसरे सत्र में श्रीलंका द्वारा 3 बार खेले रोके जाने से नाराज और इसी नाराजगी में उन्होंने पारी घोषित कर दी। भारतीय पारी घोषित होने से पहले मैदान पर कई नाटकीय मोड आए। दिन के दूसरे सत्र में 5 से ज्यादा श्रीलंकाई खिलाड़ी प्रदूषण के कारण मैदान पर मास्क पहनकर उतरे। दूसरे सत्र में 1-2-3वें ओवर में भारत जब 5 विकेट खोकर 509 रनों पर था, तभी श्रीलंकाई गेंदबाज लाहिरू गमागे को सांस लेने में परेशानी हुई और खेल रोका गया। इसी बीच श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने खराब वातावरण की शिकायत मैदानी अंपायरों से की, जिसके कारण तकरीबन 15 मिनट का खेल रुका। मैच दोबारा शुरू हुआ और पहली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन 4 का विकेट गिरा। गमागे इसके बाद मैदान से बाहर चले गए। इसी बीच कप्तान कोहली भी अपने टेस्ट करियर के सर्वश्रेष्ठ स्कोर 243 रनों पर लक्षण संधकाना की गेंद पगबाधा करार दे दिए गए। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 235 रन था, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल मुंबई में बनाया था। कोहली के जाने के बाद एक बार फिर खेल रुका। 1-2-7वें ओवर में श्रीलंका के टीम मैनेजर असंका गुरुसिंहा मैदानी अंपायरों से कुछ शिकायत करने लगे। उनके जाने के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मैदान पर कदम रखा और मैदानी अंपायरों से बात की। 5 मिनट तक खेल रुकने के बाद मैच एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन 5 गेंद बाद श्रीलंका के कप्तान दिनेश चंदीमल ने 10 खिलाड़ी होने के कारण मैच रोक दिया और इसी बीच श्रीलंका टीम के कोच निक पोथास मैदान पर आकर अंपायरों से बात करने लगे। इसी बीच भारतीय ड्रेसिंग रूम से कोहली ने परेशान होकर पारी घोषित कर दी। धन्यवाद।